स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल YDP Public। तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल YDP Public स्कूल पे। हम लोगों ने अभी तक ट्रिक वाला पढ़ रहे थे चैप्टर को, मतलब ट्रिक से हम लोग अभी रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे थे और ट्रिक भी पढ़ रहे थे हम लोग। तो ट्रिक जो हमारा वीडियो रहेगा वो शाम वाले वीडियो में रहेगा, लेकिन आज जो अभी इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंटली जो बात करेंगे या देखेंगे इस वीडियो में, हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में जो विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं ना, मतलब जो हमारे 5-6 साल 10 साल के जो प्रश्न होंगे, हम उसी क्वेश्चन को उठाएंगे कि देखेंगे कि कैसी क्वेश्चन हम लोग को नवोदय विद्यालय में पूछी जाती है और किस क्वेश्चन पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो ये सब चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, हमारे जो बोर्ड पर दिए गए हैं प्रश्न हैं वो है जनवरी 2017-2009 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक एक तरफ से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो कि सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय में जो पूछे गए विगत वर्षों में जो है प्रश्न, वही प्रश्न होंगे जो पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं कि आपको रेगुलर वीडियो इस पर आते रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। तो चलिए, हम लोग आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसको सॉल्यूशन करते हैं, उसका सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले एकदम ध्यान से क्वेश्चन की ओर देखिए। तो आज हमारा लाभ हानि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न था। 30 रुपये में एक दर्जन पेंसिल बेचने पर, 30 रुपये में एक दर्जन पेंसिल बेचने पर कितना रुपया का लाभ होता है? 10 रुपये का लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है जनवरी 2017-2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले एकदम यहाँ से लिख दीजिए, 30 रुपया में कितना दर्जन? 12, मतलब एक दर्जन। एक दर्जन क्या करता है? पेंसिल को बेचता है, तो कितना रुपया का लाभ होता है? 10 रुपया का लाभ होता है। तो हम यहाँ पर मुरली, हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। पहला तो हमें लाभ प्रतिशत, मतलब लाभ प्रतिशत, लाभ क्या है हमारा? तो लाभ 10 रुपया है, ठीक है, बटे क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे क्रय मूल्य, जब कोई भी चीज़ निकालते हैं तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य में ही निकालते हैं, इंटू 100। तो इसी को हम क्या करते हैं ना, लाभ को लिखते हैं SP माइनस CP बटे CP इंटू 100। ये शॉर्ट फॉर्म इन इंग्लिश मीडियम। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड 100, ठीक ना, ये हमें दिया गया है। तो 30 रुपया हमें क्या दिया गया है? एक दर्जन पेंसिल बेचने पर। तो SP हमें कितना दिया गया है? 30 रुपया। तो CP हमें मालूम करना है, तो हमें कितना रुपया? 10 रुपया लाभ हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं, CP निकालने के लिए SP माइनस प्रॉफिट को माइनस कर सकते हैं। क्या SP हमें कितना दिया गया? 30 माइनस 10, तो हमारा CP कितना निकल गया? 20। CP निकल गया ना 20। तो अब देखिए, हमें तो लाभ कितना दिया गया है? 10 रुपया। 10 बटे CP हमें 20 निकल गया इंटू 100, तो 20 × 5 = 100, तो 10 × 5 = 50। हमारा 50% क्या हुआ? लाभ निकल गया, ठीक है ना, 20 × 5 = 100, ठीक ना, 5 × 10, ठीक है, 10 × 5 = 50% लाभ। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2017-2019 में पूछे गए प्रश्न था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन किया, अब दूसरी क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एक जेएनबी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब एग्जामिनेशन में, और एक जेएनबी का जो जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम है वो 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन को, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक ना। कहता है एक सेलफोन 1500 रुपया में खरीद कर 1650 रुपया में क्या कर गया? बेच दिया गया। तो लाभ प्रतिशत, तो पहले CP हमें कितना दिया गया है? 1500 रुपया। SP हमें कितना दिया गया है? 1650 रुपया। तो यहाँ पर से हमें प्रॉफिट निकल जाएगा क्या? तो SP माइनस CP, एकदम प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक ना, तो एकदम कोई शॉर्ट से तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको एक अभ्यास होगा, एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पे हम आपको पूरा डिटेल से बता रहे हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब उकताइएगा मत। यहाँ पे हमें कितना निकल गया? 150 रुपया लाभ निकल गया, निकला ना 0, 5, 5 × 5 = 1, हमें प्रॉफिट कितना निकला? 150 रुपया। तो अब जानते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है सूत्र, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है P/CP × 100। तो P हमें कितना दिया गया? 150 बटे CP हमें कितना दिया गया है? 1500 × 100। 100 कटा,
ठीक ना, 1010 यहाँ से काट दीजिए, फिर 150 का एक बार में, तो हमें कितना आ गया 10%। तो ये हमारा 10% क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन, जो कि 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आप वीडियो को रोक करके सोल्यूशन लिख सकते हैं, लेकिन कोई कठिन सवाल भी ये भी है नहीं, देखिए कोई ज़्यादा कठिन सवाल पूछता नहीं नवोदय में, लेकिन बच्चे सब घबरा जाते हैं तो गलती करके आते हैं। तो जेहनवी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, कहता है एक व्यक्ति एक साइकिल को कितना रुपया में खरीदा, 1200 रुपया में। तो CP हमें कितना दिया गया है, मीन्स कॉस्ट प्राइस 1200, ठीक ना। तो फिर उसे क्या करता है, SP हमें कितना दिया गया है 1500, मतलब 1500 रुपया में क्या करता है, उसे बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो P बराबर 1500 माइनस पहले 1200 करेंगे, देखिए एकदम सूत्र है यहाँ पे, प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हमें कितना निकल गया, 12 में से 300 रुपया, 300 रुपया हमें क्या निकला, प्रॉफिट निकल गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दिया यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सूत्र होता है प्रॉफिट बटे CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये हमारा P हमें 300 दिया गया है, बटे CP हमें कितना दिया गया है, 1200 इंटू 100। तो ये 2020 साफ, फिर यहाँ पर से 3 चौक 12, यहाँ से 25 चौक 100, मीन्स हमारा जो 25% आया, ये हमें क्या निकल गया, प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसे, क्वेश्चन कहता है चंद्रकांत ने एक घर कितना रुपया में खरीदा, 2 लाख रुपया में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपया लगाए, उसी मकान को बेचने पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ये हमारा जो JNB 2012 में, मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय पर परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन लोग देखेंगे। तो पहले जो चीज़ हमें दिया गया होता है ना, तो उसे पहले बढ़िया से हम लोग लिख लीजिए। तो हमें पहले क्या दिया गया है, CP हमें कितना दिया गया है, 2 लाख, है ना, 2 लाख है कि 20 लाख है, कायदा है सकला हज़ार 2000 लाख, 2 लाख है, ठीक ना। फिर कहता उसी मकान को जब मरम्मत करते हैं तो क्या करते हैं, 50,000 रुपया लगाते हैं। जब ऐसा सब क्वेश्चन दिया रहे मरम्मत या मतलब इस पर इतना खर्च किए ये किए, तो बस उस पर क्या करना है, क्रय मूल्य में उसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हमारा जो मरम्मत क्या था, कितना हो गया टोटल हमारा, 2,50,000, ठीक है। तो फिर कहता उसे 20% लाभ होता है, तो मीन्स प्रॉफिट कितना दिया गया है, 20% हमें प्रॉफिट दिया गया है। तो हमें SP निकालने बोल रहा है, तो जब जानते हैं कि SP मतलब जब प्रॉफिट हमें दिया गया रहता है, तो उसे जो हम SP निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला पे हम देखेंगे, तो CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ठीक ना। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे CP हमें कितना दिया गया है, 2,50,000, इसे नोट कर लीजिए। फिर ना 100 प्लस कितना परसेंट दिया गया प्रॉफिट, 20% प्लस 20, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को बनाना कैसे है। फिर 100, ठीक ना, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। तो 2,50,000 इंटू 120 बटे 100, 2020 यहाँ से काट दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2500 गुना 120, तो यहाँ पे 0,000 बैठा दीजिए आप, 25 गुना 12 कीजिए, तो 25 दुनी 50, 25 का 25, 0 5 5 10 2 1 3, 300 मीन्स 3 लाख। तो ये जो हमारा निकला 3 लाख, ये हमारा क्या निकल गया, SP निकल गया, मीन सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 3 लाख रुपया। तो समझ लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10000 लाख, ठीक ना, 3 लाख 2 2 4 5, ठीक। तो ये हमारा जो 3 लाख, यदि 3 लाख में बेचता तो हमें क्या प्राप्त होता, 20% लाभ प्राप्त होता। तो ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पाँचवा नंबर के क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम घबराने का कोई बात नहीं है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमें कब पूछा गया है, JNB 2011 के प्रवेश परीक्षा में। तो इसे बनाने का एक बढ़िया, पानी प्यास लग गया है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो हमें क्रय मूल्य मान लीजिए क्रय मूल्य दिया गया है बराबर कर दिया अनुपात विक्रय मूल्य दिया गया है, यही ना दिया गया है क्वेश्चन में, यही बोल रहा है शायद। तो
तो किसी का क्रयमूल तथा विक्रयमूल 5:6, कितना दिया गया है 5:6। तो यदि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, माना कि सी पी बराबर, शॉर्ट में लेते हैं, सी पी बराबर 5x एंड एस पी इक्वल टू 6x। एकदम हम लोग जानते हैं कि सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस और एस पी मीन्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस। बस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो 5x प्लस 6x, ठीक ना। तो क्वेश्चन को आगे पढ़िए तो क्या बोलता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ निकालना है हमें। तो लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, मतलब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, लाभ को निकालना होगा। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं क्या, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो एस पी हमें कितना दिया गया, 6x और माइनस 5x, कितना हो गया, x हमारे पास आ गया क्या, मतलब x रुपया हमें लाभ दिया गया, मतलब अभी हमें को पता नहीं है कि क्या है x, तो लाभ हमें x निकल गया। तो p परसेंट बराबर क्या होता है, मीन्स लाभ परसेंट बराबर, तो x बटे जो हमारा, चलिए फार्मूला भी लिख देते हैं, मीन्स प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100, ये हमारा होता है। तो अब देखिए, तो x बटे 5x हमें क्या दिया गया है, सी पी इंटू 100 करेंगे, तो x x हमारा यहाँ से कट गया, क्या कट गया ना, तो 5 से 20 पंचे 100, तो हमारा कितना निकल गया, प्रॉफिट परसेंट 20% निकला क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई समझ में नहीं, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब दिक्कत नहीं होगी समझने में, 2011-2012 का प्रश्न था ये। चलिए और भी अभी अच्छे, चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, ये हमारा जो JNB 2011 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी दुकानदार को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर कितना रुपया का हानि होता है, 20% की हानि होती है। तो वह किस दर से बेचे जो कि 10% लाभ हो जाए, तो पहले तो 20% की हानि हुई, लेकिन वह किस परसेंट से बेचेगा तो वह 10% का लाभ प्राप्त करेगा। तो पहले हम एकदम थोड़ा लॉन्ग मेथड में चलेंगे, जो बनाने का हमारा प्रक्रिया है उस पर चलेंगे, उसके बाद हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे इस पर, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट ट्रिक, मतलब जो 3 शॉर्ट ट्रिक पढ़ा दिए हैं, तो ये हमारा चौथा शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो इसको अलग से भी पढ़ाएंगे इस शॉर्ट ट्रिक को, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया है तो बनाएंगे क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन नंबर 6 कहता है, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब हमारा जो एस पी कितना दिया गया है 16 रुपया, और हमारा जो लॉस कितना दिया गया है 20%, ठीक है, इतना चीज़ हमें दिया गया है। तो हम सी पी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एस पी बटे 1 माइनस क्या करना होगा, लॉस बटे 100 कर, इतना करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो एस पी बटे इंटू 100 कर सकते हैं क्या, बटे 100 प्लस जो हमारा लॉस है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 100 क्या करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो 100 यहाँ पे आ गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो एस पी हमें कितना दिया गया है, 16 × 100 बटे 100 प्लस होगा यहाँ पे, माइनस ना होगा यहाँ पे, तो माइनस, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 80, तो 16 × 80 या 5 से 20 × 100, तो ये हमारा क्या निकल गया, 20 रुपया, ये हमारा निकल गया सी पी, ठीक ना। सी पी जब निकल जाता है तो वह किस दर से बेचे जो 10% का लाभ होगा, तो इतना लिख लिए होंगे आप लोग, तो सब जगह ने बच रही है। तो इसमें मुझे सी पी दिया गया, कितना दिया गया 20 रुपया, और लाभ कितना होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट कितना होना चाहिए 10%, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एस पी निकाल सकते हैं ना, तो एस पी और आर से तो क्या आता है, सी पी इंटू 1 प्लस पी बटे 100, ठीक ना, ये हमारा सूत्र होता है। सी पी हमें कितना दिया गया है 20 इंटू, जब इसको लघुत्तम लेते हैं तो कितना 100 हो जाता है, तो 120 बटे 100, तो 20 × 120 बटे 100, तो 2 कट गया, मतलब 0 कट गया, 12 × 24 रुपया। तो यदि हम उसी वस्तु को कितना रुपया में, 16 रुपया में बेचता है, तो 20% की हानि होती है, तो हमें फिर हमें जो सी पी यहाँ से निकालते हैं तो कितना निकलता है 20 रुपया। फिर कहता है कि उससे फिर कितना में हम बेचेंगे जो हमारा 10% लाभ होगा, तो उसी का जो हमने निकाला, तो एस पी निकाला, तो कितना निकल गया 24 रुपया में हम उसे बेचेंगे, तो क्या निकल जाएगा, हमें लाभ निकल जाएगा 10%। तो इसे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहे कि किसी दुकानदार को, या मतलब 10% 20% हानि या 10% लाभ हो, मतलब होगा, तो कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक पे बना सकते हैं। तो यदि इस तरह का टैग लाइन से क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पूरी डिटेल से क्वेश्चन को सॉल्व किया और शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक इसी क्वेश्चन का, ठीक ना, तो शॉर्ट ट्रिक ये है
कि जो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया एस पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 माइनस लॉस, ये हमारा क्या है ट्रिक है। तो एस पी हमें कितना दिया गया है, मतलब इतना किलोग्राम की दर से चीनी बेची जाए तो 16 रुपया हमें दिया गया है एस पी इंटू है हमारा 100 प्लस लाभ, लाभ कितना देना है 100 प्लस 10 ठीक, फिर हमारा 100 माइनस हानि कितना देना है 20%, तो 20 तो 16 गुना 110 बटे 80 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, 16 पंचे 80 तो 5 दूनी 10 कितना देगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 5 दूनी 10 ठीक है, कितना रुपया हो जाएगा 22 रुपया। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसमें कुछ मिस्टेक किए थे क्या पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग, लगता है मतलब जो डिटेल से बनाए उसमें लगता है मिस्टेक कर गए हम लोग कहीं, तो मिस्टेक क्या कर गए तो उसे देख लीजिए एक बार। तो इतना रुपया में हानि तो फिर से एक बार देख लेते हैं उसको, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया वहाँ पर। यहाँ जब 22 रुपया आ रहा है तो 16 रुपया में तो 80 110 ठीक है, 16 गुना 110 बटे 80 तो 16 पंचे 80 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 यहाँ तो 22 रुपया आ रहा है। सी पी कितना निकल गया था 20 रुपया निकल गया था, तो हमें क्या निकालना था एस पी, यहाँ पर 10% लाभ जब निकालना हो तो एस पी जब निकालने लगेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 20 इंटू 110 बटे कितना था सी पी, हमें कितना दिया गया है मतलब सी पी ठीक है, सी पी इंटू 110 बटे मतलब एस पी बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू सी पी इंटू 1 प्लस 10 बटे मतलब 1 बटे प्रॉफिट बटे 100 ठीक है, ये हमारा था। तो सी पी हमें कितना निकल गया 20 इंटू 110 बटे 100। तो देखिए ठीक तो था, मतलब कहीं मिस्टेक कर गए थे तो उसको देख लीजिएगा, जांच लीजिएगा कितना आ जाएगा 22 रुपया। तो वहाँ पर जो बताए थे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हमें उसको सही कर लीजिएगा ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कितना जेएनवी 2011 में ही पूछा गया था क्वेश्चन ठीक ना, ये भी हमारा जेएनवी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो पढ़िए क्वेश्चन को, एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल कितने रुपया में खरीदी, सी पी हमें मीन्स 450 रुपया दिया दिया, खरीदना मतलब क्या होता है सी पी कॉस्ट प्राइस, और उसको मरम्मत पर 50 रुपया व्यय किया, उस पर 50 रुपया और लगाया तो कितना हो गया 500 मीन्स वह जो साइकिल खरीदा टोटल में कितना में 500 रुपया में, तो उसने 1600 रुपया में साइकिल को क्या क्या बेच दिया। तो एस पी हमें कितना दिया गया है 1600 रुपया तो बेच दिया, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं प्रॉफिट बराबर 1600 माइनस 1500 = 100, ये हमारा क्या निकल गया प्रॉफिट ठीक ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा पी बटे सी पी इंटू 100, तो पी हमें कितना दिया गया है 100 बटे सी पी हमें कितना दिया गया है 500 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल 5 से 20%, तो हमारा 20% यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर को पढ़िए पहले। कहता है एक रेडियो को 680 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपया का घाटा होता है, एक रुपया को मतलब कुछ सल्यूशन नंबर 8 ठीक ना, एक रेडियो को 680 रुपया में क्या करता है बेचता है, तो मतलब सी पी कितना हो गया हमारा 680 रुपया ठीक है। तो एक दुकानदार को 120 रुपया का घाटा होता है बेचने पर, तो 120 रुपया घाटा होता है इसका मतलब जो उसका जो उसने ख़रीदा होगा उससे तो वो कितना में ख़रीदा होगा 120 इसे ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा 0 8 2 10 6 1 7 1 8 ठीक ना। तो ये 800 रुपया में ख़रीदा होगा तब ना 680 रुपया में उसे क्या किया एक रेडियो को इतना रुपया बेचा, तो हमें सी पी निकालना था, सी पी निकालने मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि करना होता यदि हमें सी पी निकालना होता इस तरह का दिया रहेगा, तो 800 हमें क्या निकल गया एस पी सी पी निकल गया मेरा। तो फिर क्या कहता है ना कि 120 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना रुपया हमें बेचना चाहिए ठीक है ना, तो बेचने के लिए क्या करना होगा एस पी हमें निकालना है, एस पी बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस मीन सी पी प्लस प्रॉफिट, तो सी पी हमें कितना दिया गया है 800 प्लस प्रॉफिट हमें कितना दिया गया 120, तो हमारा कितना हो गया 920 रुपया, ये तो 920 रुपया में यदि बेचेगा उसी वस्तु को तो उसे कितना रुपया का लाभ हो जाएगा 120 रुपया का। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर अब ये था हमारा 2010 में पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। अब तो देखेंगे हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 9 को। तो आप लोगों को समझ में आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्या कीजिएगा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, तो जो आपके दोस्त वगैरह आसपास या कहीं पे घर पे पढ़ते होंगे इधर उधर जो बिना पैसा खर्च किए बिना पढ़ सकते हैं इतनी बढ़िया से सुविधा जो आपको मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 9, उस कुछ बातें भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम लोग पहले बढ़िया से पूरा कर लें। तो एक व्यक्ति ने एक टीवी 1820 रुपया में ख़रीदा। उसने इस टीवी को मरम्मत पर कितना रुपया खर्च किया? 1800 रुपया। तो वह इसको कितने रुपया में बेचे कि 3000 का लाभ होता? प्लीज फिर से एक बार फिर से अगेन क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने एक टीवी को कितना रुपया में खरीदा? सीपी। एक बार मैंने समझ में आया तो दोबारा पढ़ना है क्वेश्चन को। सीपी में कितना निकल गया? 1800 रुपया, ठीक ना। तो उसने इस टीवी को कितना मरम्मत खर्च किया? प्लस 1800 रुपया मरम्मत किया, ठीक ना। तो 1800 रुपया मरम्मत किया तो कितना गया टोटल? देखिए तो 0 0 8 2 10 8 1 9 1 10 1 1 2, मतलब कितना हो गया? 20000 रुपया। तो 20000 रुपया हमें क्या निकल गया? सीपी निकल गया ना। तो वह इसको कितना में बेचे कि वह 3000 का लाभ कमाएगा? तो सीपी जब हमें प्राप्त हो ही गया तो 20000 में यदि हम 3000 को जोड़ दें तो हमें एसपी निकल जाएगा ना। कितना एसपी हो गया? तो 2300 रुपया, मतलब 100-100 मुँह में बैठ गया क्या? तो ये हमारा हो गया 23000 रुपया जो आया, इसका क्या हुआ? एसपी निकल गया, मतलब इतना में 23000 में बेचेगा तो उसको 3000 का लाभ होगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन हमारे विगत वर्ष 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो चलिए और भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो एक चीज़ आपको पता चल रही है यहाँ पे, एक सीरीज देखिए, कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नवोदय विद्यालय के एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। कहीं आप इतना क्वेश्चन अभी किए, क्वेश्चन नंबर कितना नंबर में है? 9 में थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला जो एकदम भयो तो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो? नहीं, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन देती है, घुमा उमा के देती है, जो आपको थोड़ा परेशान हो जाती है। तो ये जो है चीज़, आप लोग ज़्यादा हैवी चीज़ भी नहीं पढ़िए। आपको हम प्रूफ दिखा रहे हैं कि ज़्यादा कोई भारी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, आप यदि उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एक नंबर तो फिक्स है, एक नंबर के साथ देता है। अभी तक देख रहे हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन ही दिया गया है, पहले देता था दो नंबर का, लेकिन अब देख रहे हैं एक नंबर का। तो एक हमारा 2017 में पूछा गया प्रश्न है, तो पल क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एक साइकिल को 1660 रुपया में 17% हानि पर बेचा गया तो क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो हमें एसपी दिया गया है, सोल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन। तो एसपी हमें कितना दिया गया है? 1660 रुपया। और हमें लॉस कितना दिया गया है? 17%, ठीक ना। तो क्रय मूल्य हमें प्राप्त करना है, मीन सीपी हमें प्राप्त करना है। तो क्या होता है? एसपी बटे 1 माइनस लॉस बटे 100। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? एसपी इंटू 100 बटे और 100 माइनस हमारा जो लॉस है उसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से जब लिख सकते हैं तो एसपी हमें कितना दिया गया है? 1660 रुपया। फिर हम गुना 100 बटे 100 माइनस कितना करना है? 17। 100 माइनस 17 कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो 1660 गुना 100 बटे, एकदम तेज़ी से करेंगे सॉल्व, 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे कितना बच गया? 83 हो गया। तो देखिए 83 से दो बार में कट जाता है ये 166, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। ये हमारा क्या निकल गया? सीपी निकल गया, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया? 2000 रुपया। तब ना हमें 17% की हानि हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 10, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर अभी 11 को देखेंगे। तो देखिए एकदम क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन तो आपसे पूछ नहीं रहा है एग्ज़ाम में, एकदम सिंपल क्वेश्चन जो कि थोड़ा मोड़ा चेंज किया हुआ है डिजिट वगैरह। बाद में कि हर चीज़ लगता है कि सेम टू सेम वही, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, बस यही लगता है इंपॉर्टेंट उसके नज़र में है। तो ये सब प्रश्न पूछा गया है, और हम लोग आप जो बनाते हैं आप लोग तो कितने टफ क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन है। कहता है एक मेज को इतना रुपया में बेचने पर, ठीक ना, यहाँ क्वेश्चन रॉन्ग लिखा गया, 4785 यही है क्वेश्चन, ठीक ना। तो एक मेज को, क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, एक मेज को 4785 रुपये में बेचने पर 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो हमें एसपी कितना दिया गया है? 4785 रुपया, ठीक ना। फिर हमें लाभ प्रतिशत मीन्स प्रॉफिट कितना दिया गया है? 10%। तो हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो हम जानते हैं सीपी बराबर है एसपी बटे 1 प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट बटे 100। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एसपी इनटू 100 बटे 100 ना, 100 बटे 100 प्लस जो हमारा प्रॉफिट है उसको लिख सकते हैं। तो फिर एसपी हमें कितना दिया गया है? 4785 यही ना, 785 गुना 100 बटे 100 प्लस कितना करना होगा? 110, ठीक ना। तो हमें लगता है कि 11 से देखें तो 11 चक 44, यहाँ पे कितना बच गया? 3।
11 33 11 55, तो हमारा 4,350 रुपया आंसर आ गया यहाँ पे। ये हमें क्या निकल गया, सीपी निकल गया। कॉस्ट प्राइस कितना निकला, 4,350 रुपया, ठीक ना। और बेचा कितना में, 4,785 रुपया में। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 है। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ये जो था 11 नंबर क्वेश्चन, ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न था। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, तो पढ़िए यहाँ पे, एक साइकिल को कितना रुपया में, इतना रुपया में इतना परसेंट के लाभ पर बेच दिया गया। तो हमें एसपी दिया गया है 5,980 रुपया दिया गया है ना। फिर लाभ कितना दिया गया, मीन्स प्रॉफिट 15%, ठीक है। तो क्रय मूल्य मीन्स सीपी निकालना, बस ये सब सवाल पूछता है सिंपल सिंपल। तो सिम ये आप जानते हैं सभी, आपको एक बार अपने से बना करके फिर क्या करना है, कमेंट में आंसर देना। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कमेंट में आंसर आप दीजिएगा, अच्छा हमें लगेगा, हम पढ़ा रहे हैं तो रिस्पॉन्स मिलेगा ना कि नहीं मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोग आंसर कर रहे हैं। तो सी पी बराबर 5,980 × 100, शॉर्ट में एकदम तेजी से लेंगे, एक मतलब लाभ है तो 115। तो यहाँ पर से अब देखिए तो 5 से कटेगा क्या, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 5, 5 × 5 यहाँ पे 9 × 45, 5 × 31, ठीक है। शायद 23 से ये कट सकता है, तो 23 से 7 6 8 9 नहीं 6 + 5 = 6 3 + 3 = 3, तो और 23 से कटेगा ये, ठीक ना। तो 23 से भाग देके देखते हैं, मतलब देखते क्या, 100 100, तो 23 × 3 = 9 3 × 6 = 23 4 × 8 = 12 4 × 8 = 9, फिर 23 × 5 = 7 खा सकता है, ठीक ना। 5 × 15 = 1 3 × 5 = 10 = 11, ठीक है। 115, 9 × 5 = 4, ये कट गया कट गया। फिर 46 × 23 = 46 आ जाता है ना, 3 × 6 = 4, 46 कट गया 52 बार में। तो ये हमें 52 बार में ये कट गया, तो कितना हो गया, 5200 आंसर हमारा निकल गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, सीपी। ये तो सीपी हमें निकल गया कितना, 5200 रुपया। तो शायद क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने अभी तक क्या किया, सॉल्व किया, वो भी जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो अगर यहाँ पर आप लोगों में से किसी भी छात्र को यदि दिक्कत हुई है 12 क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं कि सर इसमें यह दिक्कत हुई, या तो आप हमें व्हाट्सएप से कह सकते हैं कि, तो व्हाट्सएप नंबर यदि आपके पास मेरा नहीं है तो लिख लीजिए 6205878510, मीन्स 6258878510, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आप घर पर यदि पढ़ते हैं, आपसे यदि सवाल नहीं बनता तो आप हमें पूछ सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। तो चलिए छात्र, आप लोगों को कल क्या बोले थे कि 120 कमेंट करना है और 200 लोगों को शेयर करना है, तो वो तो आप लोगों पूरा नहीं कर सके जो जो पढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज की वीडियो को ज़्यादा टारगेट नहीं देंगे हम। तो आज का वीडियो जो रहेगा हमारा, 50 लोगों को शेयर कीजिए आप लोग आपस में, और कमेंट सिर्फ 50 ही करना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं देंगे। ज़्यादा देने के बाद आप लोग करते भी नहीं हैं, या तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं इसलिए नहीं करते हैं, या तो पढ़ते तो करते ज़रूर। तो लास्ट तक वीडियो शायद नहीं देखते होंगे तो लगता होगा। तो जो छात्र अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी कराई जाती है, वो भी बहुत अच्छी तरह से, और आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाता है और कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाता है। आप देख लीजिए पिछले हमारे जो वीडियो जितने भी होगी, तो वो सब पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं, मेरे ग्रुप में यदि जुड़ते हैं तो आपको और बेनिफिट होगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को मिलेंगे। यहाँ पे तो 20-25 को क्वेश्चन आप लोग टोटल कीजिएगा वीडियो लेक्चर में, लेकिन वहाँ पे आप 100 200 300 400 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद जय भारत। होमवर्क एक चार, जय हिंद जय भारत होमवर्क हम लोगों ने नहीं किया, इसमें नहीं दिया है, तो होमवर्क वीडियो स्लाइडिंग में ही रहेगा। तो वीडियो में आप लोग देखिएगा होमवर्क दिया रहेगा लास्ट क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न ही होगा, जो भी बहुत सारा भी क्वेश्चन था जो कि नहीं बता पाए, लेकिन आगे आपको बताएंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।